मनपुरा शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर जुलाई माह का खाद्यान्न वितरण होने के लिए आया हुआ था। तभी 2-3 दिन पहले हुई बारिश में छत छूने की वजह से लगभग 50 से 60 क्विंटल चावल और कुछ गेहूं भी क्या नुकसान हो गया और इस नुकसान का खामियाजा गरीब बीपीएल धारियों को भोगना पड़ रहा है। इस बारे में उचित मूल्य के संचालक शरद कुमार मिश्रा से बात की गई तो वो कहते हैं कि पीछे एक मकान बना हुआ है, उस मकान मालिक के द्वारा पंचायत के छत का नारदाना बंद कर उसकी छत में पानी भर गया है, जिस कारण वो छत छूने लगी है, जिससे भारी नुकसान हुआ है और वो भीगा हुआ खाद्यान्न लेने को लेकर मजबूर हुए। बीपीएल कार्डधारी गरीब लोग कार्डधारियों के द्वारा बताया गया कि उसमें से दुर्गंध आ रही है, जिससे ये खाने के काम भी नहीं आ रहा है। अब ये समझ नहीं आता कि ये जवाबदारी किसकी है जो खाद्यान्न समय पर नहीं बट पाया। आपका नाम? सदत मिश्रा जी। आप इस दुकान के कौन हैं? विक्रेता हूँ जी। ये जो माल खराब हो गया है इसका कारण क्या है? सीताराम भलैया जी ने इस दुकान के पीछे के जो नारदाने थे वो कपड़े और बोतल लगा के बंद कर दिए थे, इस कारण से वो अंदर दुकान में पानी आ गया और इससे ये माल खराब हो चुका है। ये स्टॉक कब का था? ये जुलाई माह का था, जिसकी साइट 16-17 तारीख को खुली थी। तो अभी इसका वितरण कब होगा? वितरण ही चल रहा है, जितना माल सही निकल रहा है उसका वितरण कर रहा है, जो माल खराब हो चुका है उसको अलग रख दिया गया है। अभी तक आपने कहीं प्रशासन को? हाँ, मैंने मौखिक रूप से दोबारा पहले भी जानकारी दी थी, वीडियो बना के भी डाली थी और श्रीमान FDM महोदय द्वारा फरवरी माह में मेरी दुकान यहाँ पे पुराने पंचायत भवन में शिफ्ट कराई गई थी। आपका नाम? मेरा नाम हरिशंकर कुशवाहा है जी। यह जो PDS पर की दुकान पर जो गेहूं बांटा जा रहा है वह आपको कैसा मिल रहा है? जितना अच्छा उसमें मिल रहा है और बाद बाकी का सड़गड़ा पड़ा है, उससे बीमार होंगे तो गवर्नमेंट के पास हम फिर जाएंगे। आप इससे क्या मांग, प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि दूसरा अच्छा अनाज आना चाहिए हमारे लिए, क्योंकि जब पुराना वाला सड़गला खाएंगे तो बीमार होंगे, हम भी बीमार होंगे, बच्चे भी बीमार होंगे, तो इससे महामारी भी फैल सकती है।